हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, क्योंकि यहां पे लग चुका है नाबार्ड मेला, जो भी चलेगा 23 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में। तो बने रहिए इस वीडियो में, चल के इसके अंदर विजिट करते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये रहा गेट नंबर 10, और गेट नंबर 10 से जैसे ही इंटर करेंगे आपको अंदर, तो यहाँ पे आपको नाबार्ड हार्ट देखने को मिलेगा, 2024 के थीम पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आप गेट से इंटर करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सभी बैंकों का यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे बैंकों से द्वारा जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं किसानों के लिए, वहाँ पे उसके लिए सजग करने के लिए यहाँ पे एक टीम के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं RBI, SBI और सेंट्रल बैंक, सभी बैंकों का यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे बच्चों के उछलने के लिए, कूदने के लिए यहाँ पे झूला भी लगाया गया है, और वहाँ भी आप देख सकते हैं अभी शाम का वक्त है, पूरी तरीके से शाम नहीं हुआ है, इसलिए भीड़ बहुत कम है। हालांकि पूरा भीड़ धीरे धीरे आ रही है, और इस तरफ जो आप देख रहे हो, इस तरफ जो भी ये आप स्टॉल देख रहे हो, और जो स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये लगाया गया है, सारी चीज़ें जो मतलब हाथ से बनाया जाता है उसको इस तरह के प्रदर्शनी में बेचा जाता है। ये आप देख सकते हैं हर तरह के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब स्टेज देख सकते हैं जहाँ पे आप रील बना सकते हैं खड़े होके, और ये देखिए घर में जो उपयोग होता है सामान, उस चीज़ सभी चीज़ इन स्टॉलों पे आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, और इसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही रिजनेबल होता है, अफोर्ड कर सकते हैं। और ये देखिए आयुर्वेदिक से रिलेटेड और लकड़ी से जो बनाया जाता है डिजाइन, या चाबी का रिंग और घर में सजाने के लिए फोटो फ्रेम, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इन स्टोरों में अगर आप बार्गेनिंग भी करेंगे तो आपको छोटा मोटा जो भी सामान में आपको बार्गेनिंग करेंगे वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चप्पल का भी सेल लगा हुआ है, और ये कपड़ों का सेल लगा हुआ है जो कि 100 रुपये/पीस है। ये अच्छे अच्छे कपड़े देखने को मुझे जो कम मिले थे, बट आप भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और ले सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं साफ सभी जो कपड़े आप देख रहे हैं वो सभी बेस्ट क्वालिटी के थे, और बहुत ही लंबा दूर में बनाया गया है जो नाबार्ड हाट मेला है। और इधर फूड स्टॉल है, फूड स्टॉल जो कि आपको बिहार में जो व्यंजन होते हैं और जितने भी तरह के यहाँ पे सब आपको प्रदर्शनी में दिखाए जाते हैं, यहाँ पे आप फूड का आनंद ले सकते हैं, हर तरह के फूड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा नहीं लिखा हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और ये देख सकते हैं आप हर तरह के स्टॉल, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। ये मसाज करने वाला है, ये आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर हाथ में दर्द होते हैं और गर्दन में जो भी दर्द होते हैं, तो इस तरीके से उससे भी मसाज किया जाता है, तो आप यहाँ पे विजिट करके ये दर्द का ये कर सकते हैं। और ये देखिए अचार वगैरह का, बैलून खोलने का, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए फेस पाउडर आपको देखने को मिल जाएंगे जो सामने जो स्टॉल है ये फेस पाउडर बेचती है। और ये जो मेला है बहुत ही लंबा दूर में काफ़ी ज़्यादा जो है फैला हुआ है, मतलब आपको घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से घूमेंगे। तो हर चीज़ का अलग अलग स्टॉल बाय स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे देखिए लकड़ी का सामान बनाया गया है जो बेचा जा रहा है, हर एक मतलब अलग अलग डिजाइन में अलग अलग चीज़ों के लिए ये सब है। और यहाँ पे नाच गाना हो रहा था, ये देख सकते हैं भजन कह सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये नीचे जो कूटते हुए देख रहे हैं, ये पीतल का बर्तन में डिजाइन बना रहे हैं, उसे कूट कूट के आई थिंक बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं गोलाकार आकृति में डिजाइन बनाया गया है, जो कि पीतल का बर्तन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट दर्शाया गया है। यहाँ पे ये आप जो बाबा को देख रहे हैं, ये जो गा रहे हैं, तो इस तरीके से लोग इकट्ठा हो गए थे आसपास, ये देखिए देखने के लिए लोग मतलब
सभी लोगों को आजकल इंटरटेनमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत रहती है इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच के देख रहे थे। कुछ दूर हम यहाँ से चलने के बाद हमें ये देखिए आसपास का जो माहौल है आपको देखने को मिल जाएंगे। शाम का वक्त हो चुका था तो मैं भी आगे घूमते हुए आगे बढ़ ही रहा था, तो उसके बाद मुझे जैसे ही मैं कुछ दूर चलते गया तो उसके बाद ही मुझे ये देखने को मिला जो कि बायोस्कोप या उसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो नाबार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया कब से स्टार्ट हुआ, बट मुझे नज़र पड़ता है कि स्टार्ट हो चुका था, तो मैं मंच की ओर निकल जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं वो पूरा भीड़ लग गया था देखने के लिए डांस वगैरह जो भी था। और उसके बाद मुझे नज़र पड़ता है स्कूल पे जहाँ पे बच्चे छोटे छोटे जेटस की मज़े ले रहे थे, हाथ से चलाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे। ये देखिए इस बच्चे को कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहा है। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी चला जाऊँ बट मैं जा नहीं सकता ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये। आई होप आप सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।